Hello everyone, this is Pawan Soloth. Welcome to Mission IT Education. Today we are learn something about desktop interfaces, and you know our channel is totally depend upon Haryanvi and English, and our after all videos gave you information about parts of the computer and its peripheral devices. So we will start our video. तो सबसे पहले मैं आपने बता दूं, इस पहली वीडियो में आपने देखा था कि कंप्यूटर के पार्ट्स की होया करें, पेरिफेरल डिवाइसेस की होया करें। आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप के इंटरफेस की। जब मैं बात करूं डेस्कटॉप के इंटरफेस की तो इसमें आउट से डेस्कटॉप, उसकी आइकन, टास्क बार और नोटिफिकेशन एरिया। लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मॉनिटर हो, चाहे कुछ हो, हर चीज में एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट से वो से आपका डेस्कटॉप सब में सेम होगा, चाहे वो फिर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज 7 हो, 8 हो या फिर 10 हो, सब में एक के चीज मिलेगी तुमने। अब आप यो पीछा ने जो मंदिर सा देखने लाग रहे हो, इसका वॉलपेपर लाग रहा है और जो स्क्रीन से या डेस्कटॉप स्क्रीन होया करे। जे इंग्लिश में मैं कन्वर्सेशन करके बताऊं तो उसका मतलब होया द मेन एंड द फ्रंट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। अब बात करें आइकन की, जो आप देखने लाग रहे हो डेस्कटॉप पे जो लाग रही है आइकन्स है, डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स आप देखने लाग रहे हो, फोल्डर के आइकन से, कोई फाइल के आइकन, कोई एप्लीकेशन के आइकन, सारी ये आइकन्स है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की आइकन्स है। और मैं आपने एक बार फिर अंग्रेजी में बता दूं आइकन्स क्यों होया करें, द विजुअलाइजिंग ऑफ थंबनेल इज कॉल्ड आइकन, द विजुअलाइजिंग और व्यूइंग द थंबनेल दैट इज कॉल्ड आइकन। यानी हम किसी भी थंबनेल देखा करें वो सारे आइकन कहलावे जो भी डेस्कटॉप पे होवे छे। इब बात करेंगे हम टास्क बार की, द बार विच इज एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन विच शोज यू द टास्क हैपेंस और नॉट दैट इज कॉल्ड टास्क बार। आपके बिल्कुल बॉटम में दिखाऊंगा आपने, मैं नीचे जाकर तो इसमें एक नीचे बार खुल गई और टास्क बार, इसमें आप देख सको सो ये हमारा विंडो बटन हो गया, इसमें आप लिस्ट देख सको सो अलग अलग आइटम्स की, अलग अलग प्रोग्राम्स की अपडेटेड लिस्ट देख सको सो यहाँ पर न्यूज आ रही कि इसमें किम आ रहा, क्योंकि वो विंडो 10 है। इसके बाद आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलेगा, इसके बाद फाइल एक्सप्लोरर मिलेगा, फिर आपने गूगल क्रोम मिलेगा न्यू है, ये हमारी टास्क बार है, इसमें जो भी टास्क ओपन होगा वो खुला दिखेगा आपने। इसके बाद आओ से हमारी नोटिफिकेशन एरिया, कोने में जो देखने लग रहे थे हम ये नोटिफिकेशन एरिया से, इसमें आपने ये नोटिफिकेशन मिल रहा है कि आप वास्ट एंटी वायरस डाल रखा, आप प्रोटेक्टेड हो। इसके बाद ये आओगा कि आपकी बैटरी कितनी परसेंट चार्ज है और के शो कराओ, 21% है तो ये नोटिफिकेशन एरिया दे दिया उसने। इसके बाद नेटवर्क आ गया, ये शो कराएगा आपने कि कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है, वायरलेस फिडेलिटी ऑन है कि नहीं, वाईफाई। इसके बाद आपने ये वॉल्यूम का बताओगा, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम एनहांसमेंट। इसके बाद आप ये देख सको सो डेट एंड टाइम, तो जितना भी ये देखा रखे इसमें सारा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारा आसान चीज है। नोटिफिकेशन एरिया वो एरिया होता है, नोटिफिकेशन इज द एरिया विच गेव यू नोटिफिकेशन अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। तो ज़्यादा कोई बड़ी हड़बड़ी वाली चीज़ नहीं है, बड़ा आसान है, सीखोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, सीखोगे तो आपने सब कुछ आसान लगेगा। यो मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, आपने शायद अच्छी लगी होगी, ज़्यादा कोई बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ थी नहीं, आसान सा था, डेस्कटॉप इंटरफेस के बारे में बताया के होया करे, सारी चीज़ बताई। अगली वीडियो में हम सीखेंगे क्यूकर इसका एट्रीब्यूट होया करे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में क्यों होया करे, ये सारी चीज़ रिफ्रेश हम कराया करें ताकि कंप्यूटर हमारा बार बार एक अच्छे वर्जन में, एक अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड में काम कर सके, एक अच्छी मैनिपुलेटिंग स्पीड दे सके ताकि हम ईजिली उस पर वर्क कर सकें, मल्टीटास्किंग वर्क कर सकें ईजिली। तो आपने शायद अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। हमारी वीडियो ने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करियो ताकि आप अपने भाइयों ने और अपने चाहने वाले ने ये वीडियो के बारे में बता सको, कुछ अपने हरियाणवी नॉलेज और इंग्लिश के बारे में शेयर कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करियो, अगली वीडियो में हम और बताऊंगा कंप्यूटर के बारे में, तब तक आप सीखते रहो कुछ नया। जय हिंद, दिस इज पवन सोलोथ।